अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, मान बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे आरएलएसपी की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त, उस परिस्थिति में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत थी वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है। अब वही पार्टी, इसलिए हमने कहा आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का सब्स्टिट्यूट भी, विकल्प भी यही राष्ट्रीय लोक जनता दल है। इसलिए आप सब लोग पार्टी के साथी हैं, सब लोगों से हम आग्रह करने आए कि मजबूती से आप लोग जाइए गांव में, लोगों के बीच जाइए, जाइएगा, लोग जरूर आपकी बात सुनेंगे, लोग इंतजार में जाइए, हर जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए, सभी जाति धर्म के लोगों के बीच में जाइए। आज जो नीतीश जी की स्थिति है, धीरे धीरे सब लोगों तक यह बात जा रही है। हमको मीडिया के बंद होने कल परसों पटना में पूछा कि आप नीतीश जी के बारे में बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसको पता नहीं, या तो निर्णय उनका होगा, लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जो हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनको उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है, और सच में उनके उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में है, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया, अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है, लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं, जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेवार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मार ली, और लालू जी उनके ऊपर भरोसा नीतीश जी का शुरुआत में उनको लगता हो, श्रद्धांजलि देने गए हैं क्या? देखिए, श्रद्धांजलि देने हर की अगर बात है तो उसको कोई राजनीति से बहुत जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। श्रद्धांजलि कोई किसी की देता है, और बड़े लोग जो भी हुए हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, भले उनके विचारों से हमारी सहमति न भी हो, फिर भी एक सम्मान का भाव, नमन का भाव उनके जाने के बाद होता ही है, तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए, इसको राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन चर्चा हो रही है कि नीतीश जी फिर एनडीए की तरफ। देखिए, चर्चा इसलिए है ज़्यादा क्योंकि नीतीश जी वहाँ बहुत ही परेशानी में है, और परेशानी उनके चेहरे से झलक जाती है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश जी पहले चुके ऐसी स्थिति को झेलने के आदि नहीं रहे, जब जब ऐसी स्थिति आई है तब तब नीतीश जी ने कुछ निर्णय लिया है, तो उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उसको देख करके लोगों के मन में यह शंका होती है कि नीतीश जी शायद फिर कोई नया निर्णय लेंगे, लेकिन यह विषय उनका है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। अचानक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है? देखिए, कैबिनेट की बैठक अचानक नहीं होती है, अरे मंगलवार को नहीं होगी, सोमवार की हो रही है, इसमें क्या है? सर, मगध में आप हैं, मगध में कितने सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो एनडीए की ओर से 40 जगह चुनाव लड़ना है, आप सब लोगों को मालूम है, उसमें एनडीए के अंतर्गत जितनी पार्टी है सब पार्टी अपने अपने हिसाब से बात करके तय करेंगी कि कहाँ कौन पार्टी लड़े, लेकिन एनडीए को तो 40 में 40 लड़ना है, और हमारी पार्टी की कोशिश भी है, हमारा संगठन भी सब जगह मजबूती से खड़ा हो रहा है, और 40 में 40 कैसे एनडीए जीते ताकि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर फिर से नरेंद्र मोदी जी बैठे, यह हमारा विषय है, और इस हिसाब से अभी हम काम कर रहे हैं। अपना वजूद पाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल तो कुछ तो सीट की अपेक्षा रखती होगी ना? या कह तो रहे गठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, बाकी पार्टियों की ओर से भी उम्मीदवारी होगी, लेकिन कहाँ कहाँ से कब उम्मीदवारी होगी, कितने सीटों पर उम्मीदवारी होगी, यह विषय जहाँ का विषय है वहाँ हम तय कर लेंगे, उसके बाद बता पाएंगे ना। जैसे जहानाबाद में अरुण सिंह काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में नहीं है, वैसे में हम ये राष्ट्रीय लोक जनता दल का हम किसी पर्टिकुलर एक सीट की बात नहीं